डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, युवा कवि अशोक कुमार की यह कविता हमें मीडिया व लोकतंत्र के संबंधों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। स्टॉप, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और यह मान्यता है कि विधायिका, कौमा, कार्यपालिका और न्यायपालिका जनता के प्रति अपनी जवाबदेही न भूल जाए, कौमा, यह सुनिश्चित करना मीडिया का काम है। स्टॉप, सच्चा लोकतंत्र वह होता है जहां जनता को अपनी सरकार के निर्णयों को समुचित जानकारी हो तथा उन निर्णयों से होने वाले लाभ हानियों की गहरी समझ हो ताकि वह लोकतंत्र की प्रक्रियाओं में सार्थक हिस्सेदारी निभा सके। स्टॉप, वर्तमान में ऐसा दिखता है कि मीडिया सिर्फ एक उद्योग बनकर रह गया है जो अपने व्यावसायिक नैतिक दायित्वों से दूर है। स्टॉप, यह सरकारों, कौमा, अमीरों और हर तरह के अभिजन वर्ग का हथियार बन चुका है। स्टॉप, जिसकी भूमिका जनता को सच बताने की थी, कौमा, सरकारों की खबर लेने की थी, कौमा, समाज को कदम कदम पर आईना दिखाने की थी, कौमा, वह मीडिया वैश्विक पूंजीवाद के इस दौर में कब सत्ता व धनिकों का गुलाम बन गया, कौमा, पता ही नहीं चला। स्टॉप, पैरा। भारत में लोकतंत्र के समक्ष निसंदेह कई खतरे मौजूद हैं, कौमा, लेकिन लोकतंत्र की मूल भावनाओं और दर्शन पर जो खतरा सीधा आघात करता है, कौमा, वह है मीडिया का अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होना। स्टॉप, इस मीडिया में अखबार पत्रिकाएं भी शामिल हैं, कौमा, टेलीविज़न, रेडियो भी और सोशल मीडिया एवं फिल्में भी। स्टॉप, यदि हम इन सब में दिखाई जाने वाली सामग्री का सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि मीडिया जाने अनजाने में कई स्तरों पर पक्षपात करता है और उसका हर पक्षपात हमारे लोकतंत्र को पीछे धकेलता है। स्टॉप, पैरा। सबसे पहले लोकतंत्र के उस पक्ष को देखते हैं जो राजनीतिक है, कौमा, जिसका संबंध चुनावों की प्रक्रिया से है। स्टॉप, लोकतंत्र में नेताओं और दलों की मजबूरी है कि उन्हें सत्ता में आने के लिए जनता का प्रिय बनना होता है। स्टॉप, बड़ी आबादी वाले भूभाग में कोई नेता सभी से कैसे संपर्क करे, क्वेश्चन मार्क, इसी यक्ष प्रश्न का उत्तर है मीडिया। स्टॉप, मीडिया नेताओं के भाषणों की प्रस्तुति करके, कौमा, उनके इंटरव्यू आयोजित करके जनता के सामने एक छवि लाता है। स्टॉप, यह छवि ही उस नेता या पार्टी का ब्रांड बनती है और सामाजिक मनोविज्ञान के पर्यवेक्षक हजारों बार दोहरा चुके हैं कि चुनाव में मतदाता किसे वोट देगा, कौमा, यह मतदाता के नीर शीर विवेक से के नहीं होता बल्कि उन छवियों व कोलाहल से तय होता है जिनमें वह लगातार घिरा रहता है। स्टॉप, 20वीं सदी के प्रसिद्ध विचारक एंटोनियो ग्राम्शी ने हेजीमनी की अवधारणा में छवियों के निर्माण के इस प्रपंच पर विस्तार से प्रकाश डाला है। स्टॉप, इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव कौन जीतेगा यह तय करने में सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की होती है क्योंकि छवियों के निर्माण व विध्वंस के लिए जैसी ताकत उसके पास है, कौमा, वैसी समाज के अन्य संगठनों के पास नहीं है। स्टॉप, इसलिए सारी सरकारें और सभी दल मीडिया को अपने
पक्ष में झुकाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। स्टॉप। यदि मीडिया सत्ता या धन के लोभ में सत्ता का चारण हो जाता है और चंद्रबरदाई बनकर राजा का महानता के किस्से सुनाता है तो वस्तुतः यह जनता के साथ छल है। स्टॉप। खतरा यह भी है कि मीडिया किसी अच्छे नेता के विरुद्ध न हो जाए ताकि जनता उसे पसंद न करने लगे। स्टॉप। दोनों ही सूरतों में लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर होती है। स्टॉप। अगर सत्ता को मीडिया का साथ मिल जाए तो सफेद झूठ भी कैसे सच बन जाता है। कौमा वह निम्नलिखित कविता से देखा जा सकता है। स्टॉप। पैरा। मुझे अपने गांव के पिछले पंचायत चुनाव की घटना ध्यान है। कौमा एक पढ़ी लिखी महिला कौमा जो गांव को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की जिद में चुनाव लड़ने पर आमादा थी कौमा उसकी लोकप्रियता से गांव के पुराने कई नेता आशंकित थे। स्टॉप। उन्हें डर था कि सत्ता उनके हाथ से फिसल जाएगी कौमा और यह भी डर था कि पुरानी फाइलें खुलेंगी तो भ्रष्टाचार के मामले बनेंगे और सजा होगी। स्टॉप। उन्होंने उस महिला के विरुद्ध एक प्रपंच रचा कौमा गांव के कुछ लोगों के माध्यम से उसके विरुद्ध कुछ झूठे आरोप लगाए गए जो उसके चरित्र पर प्रश्न खड़ा करते थे। स्टॉप। फोटो एडिटिंग की मदद से कुछ नकली फोटो तैयार किए गए और चटपटी खबरों की तरह उन्हें सोशल मीडिया पर परोसा गया। स्टॉप। पत्रकारों व सोशल मीडिया के कुछ ठेकेदारों की मदद से यह अफवाह इस कदर फैलाई गई कि वह महिला चुनाव हार गई और अवसादग्रस्त हो गई। स्टॉप। जिनके पास सत्ता थी वे आज भी सत्ता में है कौमा भ्रष्टाचार भी बेरोकटोक चल रहा है। स्टॉप। हाँ कौमा उस महिला की हालत देखकर यह कह है कि अगले 10-20 वर्षों तक शायद फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा। स्टॉप। अगर हम राष्ट्रीय या प्रांतीय राजनीति की बात करें तो हम आसानी से भांप सकते हैं कि कौन सा अखबार या चैनल किस दल के पक्ष में है और किसके विरुद्ध है। स्टॉप। कुछ मीडिया संस्थान तटस्थ दिखने की कोशिश करते हैं जबकि कुछ ने तो यह कोशिश भी छोड़ दी है और वे खुलकर सरकार विपक्ष के प्रवक्ता बन गए हैं। स्टॉप। पैरा। ध्यातव्य है कि पक्षपात का अर्थ केवल अंध समर्थन नहीं होता कौमा अंध विरोध भी पक्षपात का ही एक रूप है। स्टॉप। अंधविश्वास भी उतना ही बुरा होता है कौमा जितना बुरा अंधविश्वास। स्टॉप। इसलिए यदि कुछ चैनल 24 घंटे सरकार का गुणगान करते हैं और कुछ को सरकार के हर कार्य में साजिश ही नज़र आती है तो यह दोनों बराबर चिंता की बातें हैं। स्टॉप। और यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं है कौमा मीडिया वर्चस्व के इस युग में यह समस्या दुनिया के हर लोकतंत्र की है। स्टॉप। पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप व हिलेरी क्लिंटन के मुकाबले में मीडिया ने कितनी भूमिका निभाई यह किसी से छिपा नहीं है। स्टॉप। हाल ही में चीन में पत्रकारों को लाइसेंस देने के लिए एक परीक्षा अनिवार्य की गई है जिसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जीवन व दर्शन से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। स्टॉप। लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक नहीं होता कौमा सामाजिक व आर्थिक भी होता है
और पक्षपातपूर्ण मीडिया राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी खतरे में डालता है। स्टॉप सामाजिक लोकतंत्र से आशय है कि समाज में सभी धर्मों कौमा नस्लों कौमा जातियों और लिंगों के व्यक्तियों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी का बराबर मौका मिले और वे सिर्फ अपने धर्म कौमा जाति या लिंग के कारण किसी निर्योग्यता या भेदभाव का शिकार न हो। स्टॉप भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह और भी जरूरी है क्योंकि सामाजिक संस्कृति हमारे लिए रुचि का नहीं कौमा बल्कि अस्तित्व का विषय है। संपूर्ण विराम।